जय माता दी मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को सरल हिंदी भाषा में। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य या फिर सुनने वाले को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मनुष्यों का कल्याण एवं रक्षा का कवच बताया है। दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हम सुनेंगे मधुकैटभ वध। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। ओम नमः चंडिकाए। मार्कंड ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरत नामक राजा समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे। प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन करने पर उस राजा के कोला विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सुरत का शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रु ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सुरत अपने नगर को लौट गया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने उसे वहां भी आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अपदस्थ राजा सुरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़ वन को चला गया। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और विचरता रहा और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छिन गया। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं, मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो न जाने कैसा भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चित ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ आने का क्या कारण है, तुम शोक से दुखी एवं दुर्बल दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ऐसे नम्र वचन सुन वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभ ही मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीन कर मुझे घर से निकाल दिया। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में चला आया। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र स्त्री आदि के ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों है। वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसे ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूँ, मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग दिया, उनमें मेरा मन क्यों फंसा है। मैं जानता हूँ अभी इस रहस्य को नहीं समझ पाता, उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है, क्या करूं, उन हृदयहीनों के लिए मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों मेधा मुनि के पास गए और यथोचित नमस्कार कर उनके निकट बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में ना होने से दुखी है, मेरा राज्य मुझसे छिन गया, छूटे हुए नौकर चाकर हाथी घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता, यह जानते हुए भी कि वह मेरे नहीं है, एक अज्ञानी की तरह हो रही है, और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ, किंतु इसका मन भी उन्हीं में फंसा हुआ है, इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं, विवेकहीन पुरुष जैसे मूढ़ता मुझमें तथा इस वैश्य में किस कारण से है। ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं,
कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हें ही नहीं है, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु आदि में है, अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं, क्या तुम यह नहीं देखते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती जो प्रसन्न होकर वरदान देती है, वही भगवती संसार बंधन का कारण और संपूर्ण ईश की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सुरथ ने भगवान पूछा, भगवान आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई? उसके कर्म क्या है? हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्या जगत मूर्ति है, यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है, तब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उनकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ सुनो, जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्या होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शय्या पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटब नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्याप्त थी, एकाग्र चित्त से उसकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा विश्वेश्वरी जगद्धात्री संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वाहा स्वधा वशटकार स्वर स्वरूपिणी और अमृत रूप है, नित्य अक्षरों में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्ध मात्रा से स्थित हैं, जिससे विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री और आप ही सर्वोपरि माता हैं। आप ही हमारे सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी और पालन के समय स्थिति रूपी हैं। और हे जगत में अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महासुरी हैं और सारे संसार की सत्व रज तम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावनी, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वरी ह्रिंग और ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड़ग, शूल, घोर, गधा और वज्र धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भुशुंड और परिग धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदर हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्म के संसार की सत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं। और क्या स्तुति करें, आपने संसार के निर्माता पोषक संहारक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? मुझे महादेव शंकर और विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने की किसी की भी सामर्थ्य है नहीं है। हे देवी, आपके ऐसे उदार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटव असुरों को मोह के वश करो तथा जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ। इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के समुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु एकार्णव में उठ बैठे। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखा जो क्रोध से ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे। विष्णु भगवान यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल उन्मत्त मधुकैटव महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरे दोनों
दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, अन्य वर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, यही मेरा वर है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल मित्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ आप हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, और कहकर अपनी जंघा पर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा जी से स्तुति किए जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हुई। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। इस प्रकार मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण होता है। तो सभी मिलकर के बोलिए, माता भगवती की जय हो। इस प्रकार से आप सरल हिंदी में भी माँ का पाठ सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। माता का पाठ शुरू करने से पहले माँ के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का अवश्य रूप से 7 बारी पाठ करिए, और जब आपका ये पाठ संपूर्ण हो जाता है उसके बाद आप 7 बारी फिर से इस मंत्र का आप जाप करिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।